हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस चैनल दी एम एस बेस्ट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा आईआईटी कानपुर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ टू की देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मैं इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में सभी ब्रांचेस की चाहे बीटेक हो गया या फिर कोई डुअल डिग्री है या कोई बी अगर, अगर अवेलेबल है वहाँ पर वैसे अवेलेबल है तो सभी कैटेगरीज की बताऊँगा यहाँ जनरल ओ बी सी एस जो भी है पूरे डिटेल में कट ऑफ्स बताऊँगा मैं उनकी 2023 में कितनी रहने वाली है क्या आपको इस साल कितनी रैंक एम करनी चाहिए आपके कैटेगरी में इस ब्रांच के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरी डिटेल में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा सारे कट ऑफ्स तो स्किप मत करना पहली बात यह है वरना कोई कट ऑफ छूट जाएगी आप समझ भी नहीं पाओगे जो क्योंकि मैं पूरे वीडियो में बहुत सारी बातें भी बताता हूँ इंपॉर्टेंट बातें तो यहाँ बात तो फिर यहाँ पे आप अगर कुछ भी वीडियो देखने के बाद आपको डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी मेरी इंस्टाग्राम आई की पर्सनल आईडी मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सबको पता ही है आई कानपुर के बारे में वन ऑफ़ दी बेस्ट आई है इस बार एन में इसको फोर्थ रैंक मिली हुई है जो कि बहुत ही अच्छी है वन ऑफ़ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है वन ऑफ द बेस्ट आई में है और क्या ही बात की जाए इसकी वर्ल्ड रैंकिंग एशिया रैंकिंग इंडिया रैंकिंग सब में बहुत अच्छी है तो यहां पे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं चलते हैं स्क्रीन पर तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम स्क्रीन पर आ चुके हैं यहां पर देख सकते हैं राउंड वन की बात कर रहा हूं यहां पे राउंड वन यार देखो राउंड छह राउंड तक होती है यहां पे आईआईटी में एडमिशन लेकिन कट ऑफ सेम ही रहती है बहुत कम ऐसी चांस रहता है कि कट ऑफ एक आध ऊपर नीचे हो जाए आईआईटी कानपुर की बात हो रही है यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम मतलब ब्रांचेस सभी ब्रांचेस की देखेंगे और कैटेगरी सभी यहाँ पे और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं सभी कैटेगरीज और ब्रांचेस की बात करू करूँगा यहाँ पर तो हम अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग सबसे ऊपर आता है और बहुत अच्छी है क्योंकि यार देखो आई कानपुर का कैंपस भी बड़ा है और यहाँ पर बी टेक एयरो स्पेस फोर ईयर्स का है कोटा ए मतलब ऑल इंडिया होम स्टेट अदर स्टेट नहीं होता आई आई में जैसा कि आपको पता होना चाहिए नहीं पता तो यहाँ पता चल चुका होगा सीट टाइप ओपन मतलब जनरल यहां पे हमारी क्लोजिंग रैंक ही कट ऑफ होती है जो फ्यूचर में 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है एरोस्पेस के लिए, वो 4247 के अराउंड रहने वाली है इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग फोर्टी टू हंड्रेड फॉर्टी फॉर्टी टू हंड्रेड फिफ्टी इतनी ओपनिंग रैंक से मतलब नहीं है क्लोजिंग रैंक ही हमारी कट ऑफ होती है ओपनिंग रैंक थ्री थाउजेंड का राउंड हो सकती है इसकी इसलिए मैंने ओपनिंग रैंक भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे उससे एक आइडिया लगे लेकिन जो क्लोजिंग रैंक है वही कट ऑफ होती है यहाँ जनरल फीमेल के लिए फीमेल के लिए भी अलग से सीटें यहाँ पर रिजर्व है नाइन थाउजेंड का राउंड फीमेल के लिए रहने वाली है और अगर पी डब्ल्यू डी की यहीं पर अगर हम बात करें पी डब्लू डी की तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं जनरल पी ड़ी ड़ी की वन पी है और ई की देख सकते हैं यहाँ पे सेवन है ऑब्वियसली यार ये सारी कैटेगरी कट ऑफ्स हैं कैटेगरी रैंक की कोई भी सी नहीं है इतनी हाई सी आर कोई क्यों ही करवाएगा और इसके बाद और अगर हम बात करें इसके बाद ई फीमेल के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं सिक्सटीन हंड्रेड थर्टी फोर है यही अगेन कैटेगरी वाली है ये सारी ई उसके बाद ओ फिर उसके बाद ओ फीमेल फिर एस सी अभी हम एरोस्पेस की बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया मैं सभी ब्रांचेस की डिटेल में दिखाऊंगा एस फिर एस फीमेल ये हमारी एरोस्पेस कंप्लीट हो जाती है बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम सिक्सटी के अराउंड इसकी जनरल कट ऑफ रहने वाली है फीमेल के लिए एलेवन से ऊपर जा सकती है और ई की देखो यहाँ पे देखो ये 99.9% सही है इससे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा एक्चुअल कट ऑफ तो नहीं है ये फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं अभी फ्यूचर में तो एग्ज़ाम भी अभी नहीं हुआ है तो कैसे कोई बता सकता है क्या कट ऑफ रहने वाली है पेपर लेवल भी नहीं पता अभी तो तो वैसे भी उससे कोई मतलब भी नहीं है पेपर लेवल से यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कट ऑफ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं फ्यु, इन फ्यूचर के लिए यहाँ पे ओबीसी फिर एससी फिर ऊपर से एसटी फिर अब हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं यहाँ पे जनरल के लिए 4400 से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है 4400 के अराउंड रहेगी अब मैं देखो मैं एक एक ब्रांच की डिटेल में दिखा रहा हूँ एक एक कैटेगरी की अगर मैं एक एक कैटेगरी की मुंह से बताऊँ तो यार बहुत टाइम लग जाएगा जैसा कि आप सबको पता है मैं नहीं चाहता कि आप सबका टाइम वेस्ट हो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द वीडियो कम्प्लीट हो और आई आई की देखो यार लंबी वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आई आई टी आप सबको पता है जितनी बी ब्रांचेस हैं उतनी ही उसकी डूबल अवेलेबल है नाइन्टी लगभग 90 परसेंट ब्रांचेस की डुअल डिग्री अवेलेबल है आईआईटी खड़कपुर में इसीलिए ब्रांचेस बहुत सारी हैं बेस्ट साइज़ बहुत बड़ा है आईआईटी खड़कपुर का नेक्स्ट यहाँ पे जो ब्रांच है वो बी केमिस्ट्री है फोर इयर्स की 8600 सिक्स हंड्रेड के राउंड इसकी कट ऑफ रहने वाली है इस साल और आपको घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि आप अगर आपको आई कानपुर में एडमिशन नहीं मिलता तो आई आई है आई आई है यार बहुत अच्छी आई आई टीज हैं ये ज़रूरी नहीं है कि यार अगर आपको आई कानपुर नहीं मिला आई बॉम्बे दिल्ली नहीं मिला तो आप सैड हो इनमें भी करोड़ के पैकेज जाते हैं या इवन एवरेज पैकेज भी इनका कमाल का रहता है और लो ब्रांचेस की भी प्लेसमेंट्स इनमें बहुत अच्छी रहती है और यहाँ पे देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग सिविल की अगर बात करें तो 5796, 5790, 5800 के अराउंड इसकी कट ऑफ रहने वाली है इस साल 2023 में और अगर हम देखो यहाँ पे आई की दिखा रहा हूँ मैं एन की भी दिखाऊंगा अभी देखो आई बॉम्बे दिल्ली मद्रास की कट ऑफ मैंने कर दी है एन के को फॉलो करता हुआ चल रहा हूँ मैं कट ऑफ्स के लिए टॉप के थ्री की मैंने यहाँ पे कट ऑफ आपको दिखा दी है अपने चैनल पे जाकर देख लेना अभी रिसेंटली अपलोड करी है आई बॉम्बे दिल्ली मद्र की आज कानपुर की है फिर जल्द ही खड़गपुर की आ जाएगी रूरकी की फिर सारे आई कवर करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे हम सभी का फेवरेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 236, थर्टी सिक्स के अराउंड सी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ होने वाली है इस साल और घबराने वाली बात नहीं अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो आई आई टी रूरकी में जाओ वहाँ भी कमाल के प्लेसमेंट्स होते हैं इवन आई आई गुवाहाटी भी बहुत अच्छा है और इसलिए प्रॉब्लम की बात नहीं है थोड़े से रैंक से अगर आप रह जाते हो तो आई आई टी देख लो आई आई देख लो आई आई भी है आईआईटी आई टी यार बहुत अच्छी आईआईटी आई टीज़ हैं ये सारी और अगर उनमें भी थोड़े रैंक से रहता है तो या, आप तो या तो, तो आपके ऊपर है अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो जा सकते हो अगर वही आईआईटी लेनी है तो फिर कोई फेवरेट पर्टिकुलर आई है तो उसकी तरफ जा सकते हो या फिर कोई फेवरेट पर्टिकुलर ब्रांच है इंटरेस्टिंग ब्रांच तो इंटरेस्टेड तो उसमें जा सकते हो आप कॉलेज को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर ही सकते हो इतने के लिए क्योंकि फ्यूचर ब्रांच में ही बनता है कॉलेज पर नहीं नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो अर्थ साइंस है यहाँ पे 9200 के राउंड सी कट ऑफ रहने वाली है क्योंकि देखो एक लो ब्रांच है और वैसे ब्रांचेस आईआईटी कानपुर में भी बहुत सारी देखने को मिलती है ऑब्वियसली पुरानी आईआईटी है बहुत अच्छी आईआईटी है और देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी जैसा कि मैंने बोला था आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिस भी कैटेगरी का कर देखना हैं अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हैं स्क्रीन ले सकते हैं इकोनॉमिक्स की देखो बैचलर ऑफ साइंस ये ब्रांच बहुत अच्छी है अगर आपको अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं होती ज़्यादा लेकिन आई में है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स के साथ है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ से भी आपको पता चल जाएगा थर्टी थ्री हंड्रेड के अराउंड इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इस साल और आई बॉम्बे की इकोनॉमिक्स तो बेस्ट है वहाँ पर और ऑब्वियसली आई बॉम्बे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिकल की बात करें यहाँ तो ऑल इंडिया थर्टीन हंड्रेड सिक्सटी के अराउंड रहने वाली है इसकी कट ऑफ़ तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि कितना रैंक आपको एम करना है यहाँ देखो पी डब्लू डी फीमेल में भी अवेलेबल है यहाँ इलेक्ट्रिकल में जो कि अच्छी बात है और आपको अब आइडिया लग रहा होगा कितना आपको रैंक एम करना है इस साल कितने मार्क्स देखो मार्क्स कितने लाने हैं मार्क्स वाले कट ऑफ उस पर एक अलग से वीडियो ला दूंगा क्योंकि देखो मार्क्स उसका कमेंट आ रहा था कि कितने मार्क्स लाए आई आई टीज़ में एन आई टीज में जाने का देखो मार्क्स के लिए बिल्कुल अलग रहता है वो पेपर के लेवल पे पता चलता है सपोज अगर पेपर इजी बनता है अभी तो पेपर ही नहीं हुआ अगर सपोज़ पेपर इजी बनता है जेई एडवांस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यार सबके मार्क्स अच्छे आएंगे अगर सबके मार्क्स अच्छे आएंगे तो यार देखो आपके मार्क्स ही कट ऑफ हाई हो जाएगी अगर पेपर बहुत टफ बनता है तो मार्क्स सबके लो आएंगे चाहे टॉपर हो या मतलब कि अगर किसने कम मेहनत करी हो ज़्यादा मेहनत करी हो सबके नंबर कम आएंगे उसके उनके अकॉर्डिंग तो कट ऑफ भी लो नंबर पर जाएगी तो वो वो तो पेपर के बाद पता चलेगा पेपर बनने के बाद पता चलेगा उसके ऊपर मैं एग्जाम के बाद वीडियो लेके आ जाऊँगा जब एग्जाम होगा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ब्रांच है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मैं ये मना नहीं कर रहा कि वीडियो लेकर नहीं आऊँगा वो भाई टोटली कंडीशन पे डिपेंड करता है उसके उसमें मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा 6200 के अराउंड इसी कट ऑफ रहने वाली है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं सारे ही वीडियोज टॉपिक्स पर वीडियोज़ कवर करूंगा और डेली वीडियोज़ कवर करता हूँ इसका बेनिफिट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर होंगे जल्द कम से कम टाइम में और यहाँ पे हम आई की बात कर रहे हैं, टीज ट्रिपल आई टीज जी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज सबकी कट ऑफ करूँगा प्लेसमेंट्स फीस स्ट्रक्चर एडमिशन प्रोसेस इन सब पे मैं वीडियोस डेली लेके आता रहता हूँ यार और आप सबको पता है जिन्होंने सब्सक्राइब करके आइकन प्रेस किया है यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रांच है ये मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है वैसे इसमें साइंटिफिक ऐड हो गया बैचलर ऑफ साइंस है ये बीटेक नहीं है यहाँ पे 1140 के अराउंड इसकी कट ऑफ रहने वाली है इस साल फीमेल के लिए देख सकते हैं आप सब यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे फिर भी अगर यहाँ पर कुछ भी कुछ जगह डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे और यही बोलूंगा यार कि आप डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि सब्सक्राइब मैं कोई भी फालतू टॉपिक पर वीडियो लेकर नहीं आता ताकि आप डिस्टर्ब ना हो यहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी चीज़ें मिलेंगी मेरे चैनल्स पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एक अच्छी ग्रोथ कर रहा है इसलिए कट ऑफ इसकी थोड़ी हाई जाएगी सिविल केमिकल के अकॉर्डिंग ट्वेंटी नाइन हंड्रेड सिक्सटी टू ट्वेंटी नाइन थर्टी थ्री थाउजेंड से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यही एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी रहने वाली है मैकेनिकल के लिए तो यहाँ पर आपको अच्छी लग अच्छी पसंद तो आई रही हो होगी यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है इसको स्किप भी नहीं कर सकते आप क्योंकि एक एक सेकेंड यहाँ पर मैं नॉलेज ही दे रहा हूँ सारी डिटेल्स में बता रहा हूँ नेक्स्ट हमारी फिजिक्स है बी फिजिक्स बी फिजिक्स फोर ईयर यहाँ पे 5700 के अराउंड फिफ्टी वन हंड्रेड सॉरी फिफ्टी वन हंड्रेड का अराउंड इसकी कट ऑफ रहने वाली है फीमेल के लिए देख सकते हैं आप फिर उसके बाद ई डब्ल्यू एस ओ फिर उसके बाद एस और फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारी ब्रांच है स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस रिसेंटली आईआईटी कानपुर में बहुत सारी ब्रांचेज ओपन हुई है जो कि अच्छी बात है ज़्यादा ब्रांचेज ज़्यादा बैच ज्यादा स्टूडेंट्स और ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छी अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री मिलेगी उन्हें और यहाँ पे देख सकते हैं कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं सीटें नहीं बढ़ रही वन थाउजेंड कराउंड इसी कट ऑफ रहने वाली है क्योंकि ब्रांच बहुत ही कमाल की है यहाँ पे इवन ये बी है बैचलर ऑफ तो साइंस है नॉट नॉट बी फिर भी इसकी कट ऑफ देख सकते हैं आप सब तो यहाँ हमारी सारी ब्रांचेस कवर हो जाती हैं यहां हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक जरूर करना कुछ भी पूछना या बताना हो इस कम, इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी मेरी इंस्टाग्राम आई की वहां मुझसे आप बातें भी कर सकते हैं मुझसे फॉलो कर मुझे फॉलो कर सकते हैं और ऐसी वीडियोज मैं डेली लेके आता रहता हूँ कोई भी डे हो कोई भी होलीडे हो कोई भी कंडीशन हो कोई भी फेस्टिवल हो वीडियोज मैं डेली लेके आता हूँ इवन मैं दिवाली के दिन भी मैंने वीडियो लेके आया था इवन बैकग्राउंड में क्रैकर्स की वजह से भी मैं भी वीडियो लेके आया था वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा था उस दिन और वीडियोस में डेली लेके आता हूं ताकि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस के बारे में पता चले और आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस के बारे में जाने हंड्रेड परसेंट आपको कॉलेज की गाइडेंस यहां इस चैनल पर मिलेगी और आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे और मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेके आ जाऊंगा यहाँ पे वीडियोस में डेली लेके आता हूं इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता इसलिए आप बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर सकते हैं मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में